नमस्कार, जयवंत दास्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी से, जहां के नया नगर गांव में 24 घंटे एक टांग पर खड़े रहकर चातुर्मास कर रहे खोडियार गौशाला वीराना के संस्थापक ईश्वर भाई भगत के द्वारा गौमाता गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित को प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में आसपास गांवों के ग्रामीण दिन रात धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर सेवाएं दे रहे हैं। चातुर्मास कर रहे ईश्वर भाई भगत ने रात्रि भक्ति संध्या कार्यक्रम में कहा कि भारत में रहने वाला भारतीय नागरिक होने के नाते उसके दिल में भारत की सांस्कृतिक एवं सनातन धर्म के प्रति प्रेम होना जरूरी है, एवं बताया कि हिंदू लोगों की आस्था का प्रतीक तथा धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देव तुल्य एवं करोड़ों देवी देवताओं का निवास गाय माता में माना जाता है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। 4 माह खर्च उठाने वाले भामाशाह किशन सिंह पुत्र जेठुसिंह नया नगर एवं गजेंद्र सिंह खेतुसिंह ने बताया कि खोडियार गौशाला वीराना के संस्थापक ईश्वर भाई भगत के द्वारा नया नगर में चातुर्मास किया जा रहा है। सुबह और शाम आरती एवं भजन कीर्तन कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसे ग्रामीणों एवं भक्ति मंडली द्वारा भक्तिभाव कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम में हुकम सिंह परमार, नारायण राम एडवोकेट जबर सिंह, सामल सिंह परमार, हनुमानाराम नाई, शोतान सिंह, जुगल किशोर जोशी, ईश्वर सिंह पड़ियार, श्रवण नाई, नगाराम भील, जबराराम माली, मोहनलाल माली सेवाएं दे रहे हैं। वहीं धार्मिक कार्यक्रम में सहित गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गुड़ामालानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट।